दोस्तों, दुनिया के लगभग सभी मतों में, अपने ग्रंथों और पुराणों में एक ऐसी जगत की बातें बताया जाते हैं जहाँ पे इंसान समेत सभी जीव मृत्यु के बाद अपने सूक्ष्म शरीर को लेकर जाते हैं। कई सारे मतों में इसे स्वर्ग, हेवन इत्यादि कहा जाता है। कई सारे किताबों में इन स्वर्ग या उससे ऊपर के कई सारे लोकों की डिस्क्रिप्शन मिलते हैं। हिंदू धर्म में भी इसे स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक, शिवलोक, गोलोक इत्यादि कहा जाता है। द लॉस ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड नामक प्रसिद्ध किताबों में इन सारे लोकों का बहुत ही विस्तार से वर्णन किया गया है। इस किताब में बताया गया है कि स्पिरिट वर्ल्ड में कुल 7 लोक होते हैं और इन 7 लोकों में हर एक लोक का 10 स्तर होते हैं, और पृथ्वी के सभी आत्माएं मरने के बाद अपने कर्मों के हिसाब से इन्हीं में से एक लोक में जाते हैं और एक लंबे समय तक यहाँ पे रहते हैं जब तक ना वो पृथ्वी पर फिर से जन्म ले। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू द बैलेंस। तो आज के वीडियो में आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि इन सब लोकों में किस तरह के जीव रहते हैं और किस तरह के इंसान मरने के बाद किस लोक में जाते हैं। दोस्तों, जीवात्मा जगत में कुल 7 लोक होते हैं जो नीचे से ऊपर की ओर होते हैं। तो आइए एक एक करके इन लोकों के बारे में जान लेते हैं। इनमें से प्रथम लोक निम्नतम और सबसे अंधकारपूर्ण होता है, और ये लोक पृथ्वी के सबसे नज़दीक भी होते हैं। ये सबसे भयानक जगत होती है। यह बंजर चट्टानें होती है जहाँ रेंगने वाले जंतु होते हैं जो दरअसल विकृत शरीर, दुष्ट और कुविचारों से भरे मन वाले मनुष्य आत्माएं होती हैं। उनके शरीर हमारे तुलना में बहुत ही भारी होते हैं और वो बंजर इलाके में रहती है और अत्यधिक अंधेरे में चट्टानों पर रेंगती रहती है। इस लोक में रहने वाली आत्माएं कभी रोशनी की एक नन्ही किरण भी नहीं देख पाती है। दूसरा लोक भी भयानक है, लेकिन यहाँ प्रथम लोक जितना अंधेरा नहीं होता है, ना ही यहाँ रहने वाली आत्मा के शरीर उतने विकृत और भारी होते हैं। वे भी पथरीली गुफाओं में रहते हैं। वो एक दूसरे से घृणा करते हैं और घिनौनी भद्दी भाषा का प्रयोग करते हैं। उन्हें कभी भी रोशनी अथवा कोई अच्छी चीज़ नसीब नहीं होती है। तीसरा लोक कुछ बेहतर है, लेकिन यहाँ भी रोशनी नहीं होती। यहाँ आत्मा के शरीर प्रथम और दूसरे लोकों की तुलना में हल्के होते हैं। वातावरण बहुत ही भारी और कोहरे से भरा हुआ होता है। यहाँ पे रहने वाली आत्मा की शरीर देखने में मनुष्य की तरह है, लेकिन बूढ़े और अधूरे नजर आते हैं। तीसरे लोक की आत्माओं में एक दूसरे के प्रति दुर्भावनाएं होती हैं और वे हर चीज़ के लिए एक दूसरे पर आरोप लगाती हैं। वे वहाँ यानी तीसरे लोक में पहली बार आने वाली आत्माओं को पकड़कर अपना गुलाम बना लेती है और अपने दुष्ट कामों में मदद करने के लिए उन्हें मजबूर करती है। चौथा लोक एक मध्य लोक है। यह पृथ्वी जैसा ही है जहां दिन और रात दोनों होते हैं। यह ऐसा लोक है जिसमें मनुष्य की आत्मा अपनी जीवन यात्रा शुरू करते हैं। उन्हें चौथे लोक के 5वें स्तर से उठने या नीचे गिरने का अवसर दिया जाता है, और हमें अच्छा बन के ऊपर उठना है या बुरे बन के नीचे गिरना है, ये पूरी तरह हम पर निर्भर करते हैं। 5वां लोक से स्वर्ग शुरू हो जाता है जो धरती के किसी सुंदर स्थान जैसा दिखता है। आकाश में हमेशा एक हल्की सी चमक रहती है। इस लोक की आत्माएं एक दूसरे की मददगार होती है। उनके शरीर काफ़ी हल्के होते हैं और उनमें कोई विकृत नहीं होती। 6ठा लोक बहुत ही सुंदर है। यह खूबसूरत चमकीली हरी घास होते हैं, बहुत सारे पेड़ और ऐसे रंग बिरंगे फूल होते हैं जो पृथ्वी पर नहीं पाए जाते। ये लोक धूप खिले दिन की तरह हमेशा रोशन रहता है। यहाँ आत्माएं लगभग पूर्ण होती है। उनके शरीर बहुत ही हल्के होते हैं और वे आपसी मिलजुल और प्रेम के साथ रहते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं और अपने पसंद के काम करते हैं। यदि आप 6ठे लोक या उससे ऊपर हैं और आपका अवचेतन मन, जिसे अंतरात्मा भी कहा जाता है, जो आपका वास्तविक और आध्यात्मिक मन है, वो आपको पृथ्वी पर किए जाने वाले उन पापों को नहीं करने देता जो आपको 4थे लोक या उससे निम्नतर लोकों में ले जाते हैं।
सातवा लोक उच्चतम लोक हैं। पृथ्वी के लोग इसकी सुंदरता को कल्पना भी नहीं कर सकते। सातवें लोक की सुंदरता का देखकर ही विश्वास किया जा सकता है, इसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। बेशक ये लोक इतना सुंदर है कि इसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। इस लोक की आत्माओं के शरीर सबसे अधिक चमकीले, सबसे अधिक पूर्ण और जुबा जीवात्मिक शरीर होते हैं। वो बादल जैसे हल्के होते हैं। इन लोगों पे आत्माएं पूर्ण तालमेल और प्रेम के साथ रहती है। ये लोक स्वर्ग से भी बढ़कर है। इस किताब के लेखिका कहते हैं कि सातवें लोक के बाद क्या है ये उन्हें पता नहीं है। ठीक उसी तरह जिस तरह पृथ्वी पर रहने वाले लोग जीवात्मा जगत के बारे में ज़्यादा नहीं जानते, सातवें लोक के नौवें स्तर के बाद हम आत्माएं पृथ्वी पर पुनर्जन्म नहीं लेते, लेकिन उसके बाद भी हमारे आध्यात्मिक यात्रा जारी रहते हैं। सातवें लोक की आत्माएं लगभग पूर्ण और शुद्ध आत्माएं होती हैं, लेकिन यदि वे पृथ्वी पर पुनर्जन्म लेती हैं और उनसे छोटा सा भी पाप हो जाता है तो उन्हें पांचवें अथवा छठे लोक पर उतरना पड़ता है। इसलिए ये हमेशा हर एक आत्मा के अपने हाथों में ही होता है कि वे ईश्वर के सच्चे रास्ते पर चलते हुए ऊपर उठे या पाप और अंधकार के दलदल में गिर जाए। तो दोस्तों, ये था खुर्शीद भावनगरी जी के लिखे हुए द लॉस ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड नामक किताब में दिए गए जीवात्मा जगत के सात लोकों के वर्णन। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।